जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग जो स्क्रीन पर इस नए बुक को देख रहे हैं, इस बुक से एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर करते जाइए। तो पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और देखिए, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा लौह और स्टील उद्योग। तीसरा प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, मतदान के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखेंगे। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो पुष्य मित्र शुंग के द्वारा, यहाँ पे नाम लिख देते हैं, पुष्य मित्र सिंह शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना होती है। चलिए आप लोग एक प्रश्नों का उत्तर देंगे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चलिए वेट करते हैं, आप लोग लाइव चैट में आंसर देंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, नाम क्या था? बृहद्रथ, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, बृहद्रथ ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था, उसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आप लोग सेशन को पूरा देखें। तो देखिए, ध्यान से सुनिए, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन जो होता है लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, लेकिन 1967 के बाद से इस समिति के अध्यक्ष का चयन हमेशा विपक्ष से किया जाता है। और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल भी पूछा जाता है कितना होता है, तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, आप लोग नोट कर लेंगे। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। तो अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सिखों के चौथे गुरु, नाम क्या था? गुरु रामदास, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ध्यान रखना है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नाम क्या है? सही जवाब है अनाई मुड़ी, ध्यान रखना है। अनाई मुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि अनाई मुड़ी किस पर्वत पर स्थित है? तो अन्नामलाई पर्वत, यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, अनाई मुड़ी अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। और अनाई मुड़ी की ऊंचाई की बात करें
तो 2695 मीटर है, ध्यान रखना है। और अनाईमुड़ी चोटी जो है केरल राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है। आपसे राज्य भी पूछ सकता है, तो अनाईमुड़ी कहाँ है, केरल राज्य में है। आगे देखिए, किस नदी में मैटूर बांध स्थित है, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, आंसर बताएंगे। और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें, क्योंकि अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है। जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग डेली और मन से तैयारी करें और आप लोग नोट्स ज़रूर तैयार करें। तो देखिए, किस नदी में मैटूर बांध स्थित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। तो दसवें प्रश्न का आंसर क्या होगा, सही जवाब है बी ऑप्शन, ग्रेनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर भी मार्क कर लेंगे, बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 11वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी, आप सभी जानते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, याद कीजिए हमने आपको बताया था बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी है। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, बाबरनामा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग नोट डाउन करते जाइए, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा, और जहांगीर की अपनी आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, यहाँ पे लिख देते हैं तुजुक ए जहांगीरी, ये जहांगीर के आत्मकथा का नाम है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है। स्विट्जरलैंड जेनेवा, ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क कोपनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी। तो देखिए, ऑप्शन ए की बात करें तो यही गलत है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न है, आप सभी जानते हैं। बाकी ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क कोपनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी, ये सभी सही है। जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड में है, लेकिन राजधानी नहीं है, इसकी राजधानी बर्न है। निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न, बिहार पुलिस और बिहार मदनिश सिपाही दोनों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, गार्डनर, ध्यान रखना है। गार्डनर जो है इसके लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। बाकी मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स गाइड, इनकी रचना आर के नारायण के द्वारा किया गया है। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना आर के नारायण के द्वारा है, तो ऑप्शन आपको इसी तरह से कुछ दे देगा। तो ध्यान रखना है, तीनों मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड, ये तीनों रचनाएँ आर के नारायण, और गार्डनर जो है रविंद्रनाथ टैगोर। किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो कि 23 दिसंबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, याद रखना है 5वें प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, वेटिकन सिटी जो है ये विश्व का सबसे छोटा देश एवं सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है
सेशन पसंद आता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को आप लोग दिल से ज़रूर लाइक किया करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? डिब्रूगढ़ है, ध्यान रखना है। एडोल्फ हिटलर ने खाली स्थान में आत्महत्या की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने फुहरेर बंकर में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या की थी। तो सही जवाब है 1945। आगे देखिए, हुमायूं किस वंश का शासक था? तो देखिए, हुमायूं किस वंश का शासक था तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, मुगल वंश। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याद कीजिए, अभी हमने आपको बताया था यूरोप की सबसे बड़ी नदी, क्या नाम था? वोल्गा। यहाँ पे नाम लिख दे रहे हैं, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, जबकि एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगत्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पे जी होगा। आगे देखिए, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, विजयनगर की कला का उदाहरण हम्पी में मिलता है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे देखिए, कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो 47 का आंसर होगा डी ऑप्शन, कन्नड़। कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाती है, ध्यान रखना है। मराठी ये महाराष्ट्र में, हिंदी कहाँ पर? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा में हिंदी अधिकतर बोली जाती है। मलयालम ये केरल में। तेलुगु कहाँ पर बोली जाती है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है? तो हमने आपको बताया था कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत भी हो सकता है कथक का। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है? फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है। तो सही जवाब है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, सुंडागर्त किस महासागर में स्थित है? तो देखिए, एक पूछा जाता है मेरियाना गर्त और एक है सुंडागर्त। सुंडागर्त पूछे तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर में, मेरियाना गर्त पूछे तो प्रशांत महासागर में है। आगे देखिए, यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आप सभी जानते हैं कौन सा है? रूस है, क्षेत्रफल में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, प्रथम विश्व कप क्रिकेटर का विजेता देश कौन है? तो 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वेस्ट इंडीज है, आप सभी जानते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर में। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही आंसर है। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? और देखिए, सेशन के एंड में आप लोग अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक स्कोर करना है।
तो 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के साथ। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया कि सुंडा गर्त कहाँ पर किस महासागर में है, हिंद महासागर में, और मेरियाना गर्त जो है ये विश्व की सबसे गहरी खाई है और ये प्रशांत महासागर में है। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के किस जिला में शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है, राजस्थान के किस जिला में? तो नागौर, याद रखना है। आगे देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है रुद्रप्रयाग। ध्यान रखना है अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा पूछे तो आंसर क्या होगा? तो देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का संबंध पूछे तो इसका हो जाएगा देवप्रयाग, दोनों को याद रखना है। 34 में था अलकनंदा मंदाकिनी तो रुद्रप्रयाग, और भागीरथी अलकनंदा पूछे तो देवप्रयाग। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के अनुरूप है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रख ले। तो देखिए, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था जो है ये किस देश के अनुरूप है? तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है? तो 37 का आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच क्या है? 8 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच पूछे तो 10 डिग्री चैनल है। आप लोग कमेंट करके बताएं 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच स्थित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सही जवाब है आर्टिकल 32 कि इसको संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, पाक स्ट्रेट किनके बीच अवस्थित है? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु और श्रीलंका। ध्यान रखना है तमिलनाडु और श्रीलंका, यहाँ देखिए पाक स्टेट है न कि पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच कौन सा है? अभी हमने आपको बताया था 8 डिग्री चैनल है। आगे देखिए, भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय स्वशासन समिति की स्थापना की गई थी 1905 में। धौली गंगा और अलकनंदा संगम का संबंध किस प्रयाग से है? तो अभी हमने दो प्रश्नों को कवर किया और इस तरह की ये तीसरा प्रश्न है। तो धौली गंगा और अलकनंदा का संबंध जो है विष्णु प्रयाग से है। 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? अभी हमने आपसे पूछा था कि 9 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है, तो देख लीजिए इसका आंसर होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा है? 9 डिग्री चैनल है। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम विस्फोट कब हुआ था? तो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर परमाणु बम विस्फोट हुआ था। पहला हुआ था हिरोशिमा पर, कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1945 को। आगे देखिए, सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 44 का आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है। अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध किस प्रयाग से है? इस तरह का ये चौथा प्रश्न है, ध्यान रखें। तो अलकनंदा और पिंडार संगम का संबंध पूछे तो ये है कर्ण प्रयाग से। 10 डिग्री चैनल किनके बीच अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है ये है अंडमान और निकोबार के मध्य। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री है। लक्षद्वीप और
मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री है, इन सभी को ध्यान रखें, और इसके बीच 10 डिग्री है। आगे देखिए, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता था? तो 47 का आंसर है ऑप्शन ए, बेहजाद को। आगे देखिए, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नीति दर्रा जो है ये कहाँ है? तो उत्तराखंड में, आप सभी जानते हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़े, विश्व पर्यावरण दिवस नहीं पूछ रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस पूछे तो 26 नवंबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखें। आगे देखिए, दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये आखिरी प्रश्न है और इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करके सेशन को फटाफट से शेयर कर दें।